अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर टीवी की ये पॉपुलर एक्ट्रेस हो गई थी परेशान। काम से लिया था लंबा ब्रेक, हॉस्पिटल में होना पड़ा था एडमिट। बिना बात के आ रहा था एक्ट्रेस कोरोना। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी है जो कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ है। इंसान अपने आप में नहीं रहता, ना उसे दिन का होश होता है, ना रात की खबर, ना खाने की फिक्र, ना पीने की। ऐसे ही अजीब हालात से गुजर रही थी एक्ट्रेस निमृत कौर, जिन्होंने ई टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कई खुलासे किए हैं कि वो कैसे मेंटल हेल्थ का शिकार हुई और कैसे इससे बाहर आई। निमृत ने कहा, शुरुआत में मुझे लगा कि ये हॉर्मोन्स के असंतुलन के कारण हो रहा है। ऐसे में मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और तनाव में हूँ। उन्होंने मुझे काम से ब्रेक लेने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह पर मैं 2 दिन तक अस्पताल में रही। मैंने शो से 40 दिन का ब्रेक लिया। मैं अगले कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रहने आ गई थी। निमृत आगे कहती हैं, शुरुआत के 15 दिन में मैंने काफी ज्यादा दवाएं ली थी। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं सोती खाती और फिर सो जाती। मैं बैठ जाती और बिना किसी कारण रोती थी। मूड स्विंग के कारण ये मेरा डेली रूटीन होता था, जबकि मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। मुझे पानी से डर लगता था। मैंने गाने सुने, किताबें पढ़ी और कलर किया। इसने मुझे एक बार फिर खुद को निखारने में मदद की। मेंटल हेल्थ काफी गंभीर मुद्दा है। इंसान कब इसका शिकार होता है उसे ही पता नहीं चलता। सही वक्त पर सही इलाज से सब ठीक हो सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।